यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने फरीदाबाद में एक बड़ा बयान दिया है। तंवर ने बीजेपी विधायकों को लेकर एक बयान दिया है और तंवर ने कहा है कि बीजेपी के 2 दर्जन विधायक मेरे संपर्क में हैं जो कांग्रेस पार्टी में आने को तैयार हैं। तो वहीं तंवर के बयान पर बराला ने पलटवार भी किया है। बराला ने कहा कि जिस व्यक्ति की उसकी पार्टी के विधायक ही बात नहीं सुनते, उसकी और कौन कोई बात कैसे सुन सकता है। बहुत संपर्क में है, बहुत उनके विधायकों, सांसदों, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूरा एक टोड़ा है। तो कब तक पार्टी में शामिल कराएंगे? पार्टी में शामिल जिस दिन हाईकमान का उसमें क्लियरेंस आ जाएगा, लोगों ने लिखित में दिए हुए हैं, और मैं समझता हूं कि जब जिस दिन हमारी लीडरशिप फैसला कर देगी उस दिन परिवार आपको और मजबूत और बड़ा होगा। क्या चाहते हैं? उनतीस के बाद और ये जो गणित बैठे हैं, ये जो अभी नए नए हुए हैं, कई बार लोग ये सोचते हैं कि ये अच्छा होगा, लेकिन जब समय साथ नहीं होता, नीयत खराब होती है, तो वो चीज़ें विपरीत पड़ती हैं। कितने विधायक और सांसद आपके पक्ष में, मतलब आपसे संपर्क में है? देखिए, अभी तो 2-1 दर्जन के आसपास है, लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी। आप ये कहना चाहते हैं कि जब तक चुनाव आएगा भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं बचेंगे? भाजपा के पास पहले कहाँ थे? 4-5 MP कांग्रेस के गए, वहाँ पर जो बने वो कभी भी फिर दोबारा जिस दिन उनका मूड होगा। वैसे तो हाथ खड़े कर दिए हैं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हम तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। क्या तंवर साहब की बात का मैं जवाब और आगे दे देता हूँ। हरियाणा के अकेले हरियाणा के चुनाव लोकसभा के साथ होंगे और अशोक तंवर की कृपा से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं, हरियाणा की जनता ने 5 साल के लिए चुन करके भेजा है और 5 साल तक जो जिम्मेवारी हरियाणा की जनता ने दी है सेवा को तट करके हमारी पार्टी की सरकार अब तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और आगे भी